इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको इस तरीके से आपको दिखाता है इनवैलिड कैप्चा वेबसाइट के अंदर, तो आपको क्या करना होगा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जैसे कि हम वेबसाइट में हैं फ़िलहाल अभी, ठीक है, और यहाँ पर हम अपना ईमेल या पासवर्ड डालते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पर इस पर डालते हैं एंटर कैप्चा, और यहाँ पर कुछ भी हम डाल देते हैं ये मैच नहीं कर पाता और लॉगिन करते हैं तो ये प्रॉब्लम आती है। आपको डालना ये है कि यहाँ पर लिखा हुआ है जेड छोटा, तो छोटा डालना है, बड़ा टू और बी एल बी, ठीक है, जो बड़े हों अक्षर वो अक्षर में डालिए, जो नंबर एक हो नंबर में डालिए, और कोई अक्षर हो तो अक्षर में डालिए, वर्ड में डालिए, ठीक है। और आपको समझ में नहीं आता है तो यहाँ पर रिफ्रेश का ऑप्शन होता है, जैसे ही रिफ्रेश पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से ये चेंज हो जाएगा। देन यहाँ पर फिर ये छोटा आएगा तो छोटा डालिए, और बड़ा आएगा तो बड़ा डालिए, और यहाँ पर जे एच फोर इस तरीके से आप डालकर इसे एक्सेसिबल बना सकते हैं, ठीक है। तो फिर आपकी जो ये प्रॉब्लम होगी ये आपको नहीं दिखाई देगी। तो ये प्रोसेस रहता है इसका। अगर यहाँ पर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।